केंद्र सरकार द्वारा लागू 3 अध्यादेशों के खिलाफ अब किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। आज के किसान हरियाणा में सभी जिला मुख्यालयों पर 4 दिन के सांकेतिक धरने पर बैठ गए हैं। इसी कड़ी में आज अंबाला में भी किसानों ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर डेरा डाल दिया है और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी के साथ धरने की शुरुआत कर दी है। इसके साथ ही किसानों ने बताया कि 4 दिन के सांकेतिक धरने के बाद 20 को पूरा हरियाणा जाम किया जाएगा। केंद्र द्वारा लागू अध्यादेशों के खिलाफ किसान सड़कों पर उतरे तो हरियाणा के पीपली में किसानों को पुलिस के बल का सामना करना पड़ा, जिसके बाद प्रदेश भर में किसान रोष में हैं। ऐसे में किसान इन अध्यादेशों के मुद्दे को लेकर अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का मन बना चुके हैं। ये जो आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किन आज आपके जो नेता हैं वो गए हैं, उसके बावजूद प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किन मांगों को लेकर हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये जो 3 अध्यादेश सरकार लेके आई है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके खिलाफ ये 3 आज 5 दिन का धरना हमने रखा है। और सरकार ने बुलाए हैं, जो वहाँ पर अगर कोई समस्या हल होती है हम धरना ख़त्म कर देंगे अपना, वरना ये 5 दिन लगातार चलेगा। और 20 तारीख को फिर हमने पूरा हरियाणा जाम करने का प्रोग्राम बनाया, पूरा हरियाणा जाम करेंगे। कौन से रोड कहाँ जाम करने वो बाद में बिता किए। कोरोना काल में आपको नहीं लगता कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जो है कम से कम बहुत ज़रूरी है? वो तो है, करे क्या किसान, ये अध्यादेश को जरूरी था कोरोना काल में, क्या इमरजेंसी थी देश के ऊपर आज इसमें अध्यादेश लेकर आई? किसी इमरजेंसी में अध्यादेश ले आ जाता था, लेकिन तो क्या किसी किसान ने कहा था भैया अध्यादेश लेकर आओ, हम मर रहे हैं, किसान को और मारने पर लगे हुए हैं। अगर आपकी मांगे ना मानी गई, क्या कुछ अगला फिर 20 तारीख के बाद फिर अगला कोई स्टेप तैयार करेंगे? इतना हमारी मांगे नहीं मानी जाती, इतना हम पीछे हटने वाले नहीं। चाहे गोली चले, लाठी चले, इन्होंने डंडे चला के देख लिए पीपली में, किसान और जागरूक होगा, से आगे और ज़्यादा जागरूक होएगा किसान। फिर भी अपने साथियों को कहेंगे सोशल डिस्टेंसिंग? वो तो हम कह रहे हैं, मेंटेन है, सबके मुंह पर मास्क लगाया है, कपड़ा बांध के रखा है और सबको कह रहे हैं सोशल डिस्टेंस से बैठो, ये हमारी रहत है। आज से किसानों ने अंबाला में 4 दिन का सांकेतिक धरना शुरू कर सरकार को चेतावनी दे दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो किसान आगामी 20 को पूरा हरियाणा जाम करेंगे, और अगर फिर भी सरकार बात नहीं मानती तो रोष प्रदर्शन और तेज किए जाएंगे। वहीं किसानों ने आज सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कोरोना काल में धरने प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा कि सरकार को ऐसी भी क्या जल्दी थी कि उन्होंने महामारी के दौर में अध्यादेश लागू किए। उनको समझाया जा रहा है कि आपका डेमोक्रेसी में राइट है, अगर किसी चीज़ पे आप सहमत नहीं है और आप उसके अगेंस्ट प्रदर्शन कर सकते हो, उसमें कोई ज्ञापन दीजिए, हम अपना आपका ज्ञापन सरकार को भेजेंगे कि आपकी ये मांगे हैं। और मैं सबसे पहले तो किसानों को ये कहना चाहूँगा कि ये गुमराह मत होइए, ये जो 3 अध्यादेश हैं ये सभी आपके भलाई के लिए हैं। यहाँ इसमें सिर्फ कुछ चुनिंदा जो लोग हैं उनको शायद थोड़ा नुकसान हो रहा है, शायद इसलिए वो आपको भड़का रहे हैं, बट जो ये एक हिस्टोरिक स्टेप लिया जा रहा है इसका कहीं ना कहीं आप सबको बहुत लाभ होगा आने वाले समय में। और ये तो आप कोई भी, हम जितना भी आप पढ़ेंगे, जितना भी आप इसको समझेंगे, ये तो किसानों को एक आज़ादी दी जा रही है कि वो कहीं पे भी जाके अपना सामान बेच सकते हैं, जो कि अभी तक पाबंदित था कि वो कमेटी में जाके बेचेंगे। हाँ, ये जो आज का ये प्रोटेस्ट था कोविड की बात कर रहे थे, आपको समझाया? उनको पहले तो यही हिदायतें दी गई कि आप ऐसी जगह पर करें जहाँ पे खुला हो, और सिर्फ एक डीसी ऑफिस में प्रदर्शन करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे आप भी कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए उन सबको यही बताया गया कि आप थोड़ा सा दूरी बना कर रखें, मास्क पहन कर रखें और सैनिटाइज़र का यूज़ करते रहें। और मास्क आपके प्रदर्शन से दिक्कत नहीं है, बट आप पूरा परमिशन लीजिए और एक ऐसी जगह पर बैठ के करो जहाँ पर कम से कम संक्रमण को रोकथाम हो। अगर ये लोग नहीं हटेंगे यहाँ से और ऐसे ही प्रदर्शन करेंगे, क्या कार्रवाई इनको? अभी जैसे एक बार अभी इनके अभी मिले हैं यहाँ पे, इनसे बार बार बात की जाएगी कि आप संक्रमित हो जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर फिर भी नहीं मानेंगे तो फिर उचित कार्रवाई की जाएगी। कर रहे हैं किस किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए? इसमें ज़्यादातर इनको हिदायतें दी गई हैं, मेंटेन जैसे अपना COVID-19 के बारे में जो हिदायतें होती हैं उसको मेंटेन करके रखें। इसके बाद पब्लिक का यहाँ डीसी ऑफिस में आना जाना, तो हिसाब से जैसे माइक है उस हिसाब से ऐसा शोर शराबा दिन के टाइम ऑफिस में जो कार्यशैली है उसमें कोई प्रभावित ना हो। ये किसान इसमें कह रहे हैं कि इन्होंने एक ही बात कही है कि जन शांति प्रिय बैठेंगे अपनी मांगों के लिए, ऐसी कोई बात नहीं होने देने, हम खुद जागरूक हैं, ये बात इनसे हुई है।